नहीं, अभी जो बारिश हुई है रात से ये ज्यादा हुई है, 65 mm से ज्यादा होती है तो अतिवृष्टि जैसी परिस्थिति होती है। अभी तो 267 से 300 mm का बारिश गिरी है। ये बारिश जो है ये कम समय में गिरी है और जो पूरी तरह व्यवस्था जो है कैरिंग कैपेसिटी है उससे बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा ये बारिश हुई है। और इसलिए रेलवे के ट्रैक पे भी पानी आया है। पंप रेलवे ने 200 पंप लगाया है, 480 पंप कारपोरेशन के है, वो पूरी तेजी से काम कर रहे हैं और पानी फेंकने का काम शुरू है। और अभी आपने देखा कि ट्रेन भी ऐसा ऐसा सब शुरुआत हुई है और रोड में भी अभी हमने यहाँ पर देखा सब 5000 स्पॉट इसमें दिखते हैं, सब रोड पे अभी ट्रैफिक शुरू हुई है। और सब जगह पे जो जो वाटर लॉगिंग वाले स्पॉट है, बीएमसी के बड़े अधिकारी जो वरिष्ठ है वो वहाँ खड़े है, वो भी दिखाई दिया। और इसलिए पूरी सिस्टम जो है स्टेट डिजास्टर रेलवे एनडीआरएफ और बीएमसी ये पूरी तरह इसको फेस करने के लिए पूरी तरह अलर्ट है और सब लोग काम कर रहे हैं। अभी जैसे ही ये मैंने कहा कि ये मिठी रिवर और पोइसर ये रिवर जो है ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम शुरू है, फ्लड गेट डालने का काम शुरू है। अभी 7 पंपिंग स्टेशन बन रहे हैं, ये पंपिंग स्टेशन जो है अभी विदाउट ट्रीटमेंट पानी जा रहा है, ये कितने सालों से है। अब जब हमारी सरकार बन गई तब पहले काम हमने वही हाथ में लिया कि सब जगह जो भी समुद्र में पानी जाएगा वो पूरी तरह ट्रीटमेंट होकर जाएगा, पोल्यूटेड वाटर जाएगा नहीं। और इसलिए उसके ऊपर काम कर रहे हैं, माइक्रो टनलिंग हुआ है, ये होल्डिंग पॉन्ड हुए हैं, ये पहली बार हुआ है। और इसलिए ये जो भी ये फ्लड के लिए जो सिस्टम जो उपाय करना है वो सब ये बीएमसी और रेलवे और सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उसका आप जो इतनी बारिश होने के बावजूद अभी हमने देखा कि कई रोड तो पूरे पानी में थे लेकिन वो पानी इतने तेजी से डिस्चार्ज हो रहा है उसका पानी का कि वहाँ रोड खुले हो रहे हैं। इसलिए ईस्टर्न और वेस्टर्न रोड भी शुरू हुए, ट्रेन भी शुरू हुई है। अभी सिर्फ हाई टाइड का एक सूचना मिली है, अलर्ट मिला है, उसमें भी थोड़ा बारिश कम हो रहे तो उसको भी हम ठीक से टैकल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कोस्टल रीजन के जितने डिस्ट्रिक्ट थे हमारे रायगढ़ रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग ये इसमें और पालघर में भी वो ऑरेंज अलर्ट है और एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। अगर जरूरत पड़े तो आर्मी नेवी एयरफोर्स उसको भी इतला किया है, उनको भी सूचना दी हुई है, वो भी हमारी मदद के लिए हमेशा तैनात है।